अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अभी मैं बहुत तैयार शहर हूँ, जल्दी जल्दी मैं बस निकलने लगी हूँ घर से। और आज मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद अपने ऑफिस वालों के साथ, क्योंकि न्यू ब्रांच की ओपनिंग है। तो मैंने जो है वो आज जाना था, आज संडे है। तो तैयार शहर में हो गई हूँ, सुबह 6:30 बजे की मैं उठी हुई थी। पहले तो अब्बा जी से परमिशन नहीं मिल रही थी जाने के लिए। पहले अम्मी ने अपने बिहाफ में पूछा कि ये चली जाए, तो अब्बू जी नहीं माने। फिर मैंने पूछा, तो मैंने कहा अब्बू जी बस एक दिन में वापसी है, सुबह जाना है और शाम को आना है, तो इस बात वो मान गए, वरना तो मुझे इजाज़त ही ना मिलती। खैर बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत अरसे बाद आउट ऑफ सिटी जो है वो सफ़र होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिएगा कि मेरा आज का दिन आज का कैसा रहता है, कैसी मेरी रूटीन रहती है, कैसा मेरा इवेंट रहता है, रहे मेरे साथ। तो चलते हैं सफ़र आज का शुरू करते हैं दुआओं के साथ और दिन का आगाज़ करते हैं जी। तो मैं YouTube फैमिली, मैंने काफ़ी अर्से से व्लॉगिंग करना छोड़ दी और मैंने जो है वीडियोस वगैरह एडिट करना छोड़ दी और अपलोड करना भी छोड़ दी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है एकदम से। खैर अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं ओवरथिंक कर करके पागल हो जाऊं, तो मैं ये वाला काम जो है ना वो दोबारा स्टार्ट कर देती हूं। क्योंकि जिस काम में आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, जिस काम में आपको खुशी मिले, तो वो कर लेना चाहिए और उसमें बुराई ही क्या है। सो ये हम लोग जो है वो बस वगैरह करवा ली गई थी और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सफ़र की तरफ रवाना हुआ है इस्लामाबाद जाने के लिए। और सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है जब आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी हों सफ़र करने के लिए। अकेले सफ़र करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए अगर सफ़र में कंपेनियन अच्छा हो ना तो सफ़र बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो जाता है। तो ये अभी भी हम ना लाहौर में घूम रहे थे और इस इवेंट को गुजरे भी आई थिंक 2 माह हो चुके हैं और अब मुझे याद आया कि मैं एडिटिंग कर लूँ इसकी। तो यहाँ पे हम गाड़ी में नेल पॉलिश लगा रहे थे, जो कि बड़ी मुश्किल से लगाई थी। हिलता जा रहा था हाथ, ठीक तरह से लग भी नहीं रही थी, लेकिन खैर ये जब बस रुकी थी तो मेरी फ्रेंड जो है वो ये लगा रही थी। और हम सब फ्रेंड्स ने जो है ज़्यादातर जो है ना टीम जो भी थी ऑफिस की, सब ने ब्लैक वेयर किया था। अच्छा सेम ड्रेस कोड से ये होता है कि मतलब सारे ही बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। इस तरह से अगर अलग अलग कपड़े पहनो ना तो वो फिर ऐसे मिठाई बन जाती है कि किसी ने कुछ पहना है, किसी ने कुछ पहना। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, एक ही दिन में वापसी भी थी, तो इसलिए यह है कि थोड़ी थकावट हो गई थी, लेकिन इन्जॉय काफ़ी किया था। और इस्लामाबाद का रास्ता जो था बीच में, वैसे तो मैं सरगोधा फैसलाबाद और यहाँ तक गई हुई हूँ, पिंडी तक भी गई हुई हूँ, लेकिन यह है कि इस्लामाबाद का जो रास्ता था और डे टाइम में जो सफ़र है वो मैंने पहली बार ही किया था। सो रास्ते में जो कलर का हार का व्यू आया था ना वो बहुत ही खूबसूरत था और मुझे तो ज़्यादा जो है ना ग्रीनरी वाली जो जगह हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। और कुछ लोग जो थे, जो हमारे ऑफिस के लोग थे, वो घर से नहीं मतलब रेडी होके आए थे, लेकिन हमने तो यही सोचा था कि हम घर से ही रेडी होके जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाना था। तो इसलिए शुक्र है कि घर से रेडी। गाइस अब यहाँ पे सब स्टाफ रुका है चेंज वगैरह करने के लिए। हम लोग जो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग घर से ही तैयार होके आएंगे, तो हम शुक्र है कि घर से ही तैयार होके आए। यहाँ तो तैयार होने वाला कोई सीन ही नहीं है। और ये भेड़ा पॉइंट पे हैं हम, और ये है कि मैं अपने कज़न्स के साथ आई थी, मुझे याद आ रहा है, तो मैं तुम सबको मिस कर रही हूँ। कोई और मेरे व्लॉग्स देखे ना देखे, मेरे कज़न ज़रूर देखते हैं, तो आई मिस यू सो मच सबको भेड़ा पॉइंट पर आके, क्योंकि मैं लास्ट टाइम उनके साथ आई थी भेड़ा पॉइंट पर। कितना बुरा लग रहा है यार। और आमना साहिबा को अपने निशानों की पड़ी हुई है। अच्छा मेकअप अभी तक तो फ्रेश है, लेकिन अब थोड़ा सा और इसको फ्रेश करते हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद आने वाला है, थोड़ा सा रह गया, तो मिलते हैं वहाँ जाके। गाइस एक यहाँ पे बहुत फ़नी सीन हुआ है, अभी हम रेस्ट करने के लिए बैठे हैं और मैं आमना से पूछ रही हूँ मेरी ग्लासेस कहाँ चली गई। आमना कहती तुम्हारे सर पे हैं, और फिर मैं सुकून में आ गई, मुझे लगा घूम गई है। गाइस अब हम यहाँ पे भेड़ पॉइंट पर बैठे हुए हैं खाने पीने के लिए। मेरा कुछ खाने को दिल तो कर रहा है, लेकिन अभी देखती हूँ कि क्या खाती हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ। अच्छा खैर ना चाहते हुए भी फिर मैंने जो है वो दिल तो नहीं करता सफ़र में कुछ भी, इतना खास खाया नहीं जाता। तो कुछ लोग ज़्यादा खाते होंगे, ज़्यादा क्रेविंग्स होती होंगी, लेकिन ये है कि सफ़र में मेरे से तो कुछ नहीं खाया जाता और सफ़र के बाद भी जाके कुछ नहीं खाया जाता कहीं अगर इवेंट वगैरह पे जाओ तो। खैर यह है कि यहाँ से फिर मैंने जूस बाय किया था और बबल्स ली थी, और फिर हम जो है दोबारा से गामजन हो गए थे अपने इस्लामाबाद के टूर पर। और रास्ते में बीच बीच में कभी बारिश हो रही थी और कभी धूप वाला मौसम हो रहा था, कभी बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो मिक्स ही मौसम था। लेकिन वापसी पे बहुत ही कोई कमाल का मौसम था और बारिश होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। सो बहुत मतलब कि मज़ा किया मैंने। और ये जैसे पहाड़ से आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बड़ा ही प्यारा कोई व्यू दे रहे थे।
अब ये है कि मेरा तो दिल कर रहा था बीच बीच में स्टे करके ना गाड़ी से निकल के, मतलब ये शीशे से नज़र आ रहा था ना तो बंदा रियल आंखों से देखे इस व्यूज़ को, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी थी तो गाड़ी से तो हम निकल नहीं सकते थे, ड्रैक पहुँचना था हमने टाइम से। सो गाइज़ अब पक्का मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं, काफ़ी मेरे पास व्लॉग्स पड़े हुए हैं, बनाए हैं मैंने, लेकिन ये कि मैंने एडिट नहीं किए, मैंने लगाने में सुस्ती की है अपलोड करने में, लेकिन अब जो है वो मैं सारे व्लॉग्स लगाने वाली हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना मेकअप रिफ्रेश कर रही थी और मिस रोज़ की जो फाउंडेशन है ना बड़ी कोई कमाल है, तो ज़रूर मिस रोज़ का मेकअप यूज़ किया करें, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है तो काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है। और मुझे दोबारा एडिटिंग करनी पड़ी है क्योंकि ये पीछे गाना लगा हुआ था तो वो यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट भेज दिया, तो मैं गाना बंद करके अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ दोबारा से। लगा दे जरा सी, उसी से ही कर ले। अस्सलाम वालेकुम, किसको किया है खड़ा कोई आगे? और ये हम लोग पहुंच चुके थे जहां पे इवेंट था, ये कोई मार्की होती है ना वो बुक करवाई हुई थी, वहाँ पे था इवेंट, मतलब न्यू ब्रांच की ना ओपनिंग होनी थी हमारे, जहाँ मैं ऑफिस जाती हूँ वहाँ उनकी 7 ब्रांचेज हैं, नहीं 6 ब्रांचेज थी, तो ये 7 ब्रांच जो है वो ओपन हुई थी। और ये शुक्र के बालों का जो हाल था ना, मैं और मेरी फ्रेंड शुक्र कर रहे थे कि हमने केराटिन करवा लिया और ये अचानक से ही अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट आ गया, वरना हमें फिर कितना वक्त पड़ता और बाद में कराने के लिए इतना अर्जेंट, तो हमने शुक्र है ये करवा लिया, तो ये है कि थोड़ी लुक निकल आई थी। और हाँ बस ये है कि मेरा तो ड्रेस भी कोई डिसाइड नहीं था कि मैं क्या पहनूंगी, और बिल्कुल मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये है कि एक वो ना हमारी एक कुलीग है वो अक्सर कपड़े लेके आती रहती है ऑफिस में सेल आउट करने के लिए, वो टैग्स वगैरह लगे होते हैं तो उन्होंने पता नहीं बाय किए हुए होते हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे कपड़े लेके आती हैं अक्सर, तो उनमें से एक फ़्रॉक वो लेके आई हुई थी जो कि मुझे पसंद आ गया, मैंने पहन के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, मेरा यार भी तू दिलदार भी तू इस तरह से कोई करके गाना था, और इस पर भी कॉपीराइट आ गया क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था और बस वो अपनी आवाज़ में गा रहे थे। सो ये बड़ी इंजॉयबल परफॉर्मेंस थी, तो इस पर भी अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह है कि डिफरेंट सिटीज़ जैसे फैसलाबाद है, सियालकोट और भी जहाँ भी जिस सिटी में है ना ब्रांच, उन सारी ब्रांचेस के लोगों जो भी ऑफिस के मतलब के कोलीग्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं सबको इनवाइट किया गया है। सब भी पहुंचे हुए थे अपनी अपनी बसेस करवा के, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और ये वाला गेस्चर मुझे बॉस का बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो है ना वो सब एम्प्लॉयज़ को लाइन में खड़ा किया पहले, और उसके बाद बड़ी बड़ी स्टेज पे बुलाया और फिर सबका मतलब कि शुक्रिया अदा किया, तो ये काफ़ी इमोशनल सीन भी था बीच में। बाकी है कि कोई ना कोई बात होती है जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है बंदे को, और बॉस की जो बात है ना सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेबल वो ये है कि ये मैंने इनमें बहुत ज़्यादा देखा है कि अपनी माँ की जो जिस तरह से इन्होंने कदर और जिस तरह से वैल्यू की, तो वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। तो शायद पता नहीं कौन सी अदा बंदे की अल्लाह पाक को पसंद आती है जिसकी वजह से अल्लाह पाक इतनी इज्जतों से नवाज़ देता है।
और यहाँ पे खाना घुल गया था और मेन्यू में आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है और क्या था, आलू बुखारे की चटनी थी और लेग पीसेस थे। तो थोड़ा थोड़ा ही खाया था, पक्की है कि लेकिन बाद में बड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, पता नहीं इस खाने में था कुछ या क्या था। बात सुने, अब मैं एंड करने लगी हूँ मेरे व्लॉग का आज का, जो कि बहुत एक्साइटेड डे था और आज का दिन होता है यहीं पे तमाम। अभी हम रुके हैं मियाँ जी को, स्टॉप है मियाँ जी का होटल। हम पी रहे हैं चाय और इस वक्त मौसम इतना कोई कमाल हो गया है कि मैं दिल कर रहा है मैं यही रुक जाऊँ। जाते वक्त हम गए थे मोटर पे, जाते वक्त हम मोटर पे से गए, जाते वक्त हम इसका कोई मियां नहीं बनाता, इसको मियां जी के पास जाते वक्त हम मोटर वे से जी जी हम करने लगे। कोई बात नहीं, मिट्टी भी अच्छी लग रही है, बड़े अरसे बाद इतनी ठंडी हवा, इतनी हवा मुश्किल से हुई है अंकल। चलो हमारे नसीब में तो मिट्टी पर नाम लिखा हुआ ना। हाँ जी, आपके कोई नहीं, हम भी मिट्टी के हैं, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी भी अच्छी लगती है। ये ले। हाँ जी, तो मैं कह रही थी मौसम बहुत हसीन हो गया, हवाएं ठंडी वाली चल गई और अब हम जीटी रोड से वापस जा रहे हैं, ये मैं बताने लगी थी। अभी 3:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, मेकअप बिल्कुल उतर चुका है, लेंसेज भी मैंने उतार दिए हैं और मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरी ज़िंदगी का ये मेमोरेबल ट्रिप था। उतार के नंगे फॉर्म बैठी, हाँ, और अभी मैं सारा कुछ उतार के बैठी हुई हूँ, अब पता नहीं बकवास। अब ना अब ये है कि मैंने घर जाने का मुझे बहुत मसला लग रहा है, इमरा की फ्रेंड बहुत बीच में चूसे मार चुकी है, लेकिन इसको मैंने लगानी है, अब मैंने ये लगानी है, ये चूसे आपने सुननी है, ये चूसे तो आप लोग सुनना चाहते हैं ना। तो अब ये है कि बहुत बढ़िया, खैर अब आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में रखिएगा यार, भी काट दो इसका। अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइस, सफ़र हुआ इख्तिताम पज़ीर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस दिन गाने सुने थे, जाते हुए भी मुसलसल बस गाने 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 और वापसी पे भी बस गाने ही सुनते हुए और वहाँ पे भी बस गाने ही सुनते हुए सारा दिन गुजर गया था। तो इतने भी ज़्यादा गाने नहीं सुनने चाहिए जो है ना, इससे भी दिल मुर्दा हो जाता है। खैर मैं तो बहुत कम गाने सुनती हूँ, कभी कभी होता है कि जज्बात जागे हुए होते हैं तो गाने सुन लेता बंदा। खैर अल्लाह हाफिज़।